गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। तो आज है महाशिवरात्रि, आज 1 मार्च है और आज है महाशिवरात्रि। तो आज हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर, और सब कोई रेडी वेडी हो चुका है। ये देखिए मम्मी भी रेडी हो गई है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। और हम लोगों ने ये सामान भी रख लिया जो भी पूजा के लिए ले जाना है। तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, फिर वहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि मंदिर में कैसा क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे, तो बाद में बात कर ले, काट दे। कैसा गमेला, सो फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। उधर मंदिर है, उधर 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 और ये मंदिर का नाम है बाबा विंध्येश्वर धाम। अरे रे चटको माया क्या रखा लियो, चलो क्या माया दुकान में खा लियो, खाना कोई चलो ऊपर क्या खाए पिए। हां आ जाओ दो फूल कमलो, इधर देर पत्र मान लो अंकल तक। अंकल बेलपत्र दे दो। ए देवान सुनले इनका, ये देखो है इंदर की साइड। उधर अभी थोड़ी भीड़ है ना, अभी वो लोग पूजा करने के लिए कर रहे हैं। सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकम् वंदनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकम् वंदनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। पुष्प बोले तो क्या मिल गया सर? पूजा करने आया कि बैरी खाने आया? खा लो खाली तुम। क्या बांसुरी लेंगे क्या ये भैया? यही सारे
वो बजाएंगे। ये देखो लो बजाएंगे तो का बांसुरी अरे दे दो अंकल पढ़ता है भैया पढ़ता है इसमें क्या पक रहा है खाना भंडारा भंडारे के लिए खाना बन रहा है वही कह रहा था ये भंडारे के लिए मतलब मंदिर में जब पूजा होती है तो इधर भंडारा लगता है किसी को चाहिए तो हम लोगों ने सबसे पहले बचपन में यही वाला फोन लिया था ये जो मेरे हाथ में है राइट हैंड में वो वाला नहीं बल्कि ये वाला चलो छइया छइया ओह लाइट भी जलती है मम्मी ओमी मम्मी 20 रुपए का है बता लो मना कर दे ना ले जाओ बाय बाय चलती है इधर से कैमरा बच्चा है सिनेमा ले आओ फोटो खींचिए ना खाना फोटो खींचिए कौन वाला 10 रुपया ये हमारी भाभी जी फोटो खींचेंगी आओ सब दुकानें लगेंगे भी लगी नहीं है ना सुबह सुबह कौन लगाता है दुकान जी की दुनिया में आपका स्वागत है ठीक कितने बता रहे हैं शादी हम तो नाचेंगे वापस जा रहे हैं घर ना चुटकू सामान जगह गिरे मोटे हो गए हम लोग मोटे हो गए चाय में भर गए तो बच्चे आपको कोमल कैसे बिटी वहां ही ना हेलो दोस्तों तो हम लोग मेला घूम के आ चुके हैं और मेला घूम के आने के बाद बहुत सारा करना था काम मैंने खाना बनाया फटाफट पापा खा के गए हैं दुकान और दुकान या शायद मंदिर भी जाएंगे उधर ही से क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है और अभी मम्मी और कोमल फिर से गए हैं मेला घूमने मम्मी को मतलब ले गए दर्शन कराने हमारे यहाँ जो जिस मंदिर गए बिंजेश्वर नाम है अभी कोई आने वाला है हमारे घर खौवड़ पार्टी आने वाली है और मतलब ज़बरदस्ती बोल रहे हैं आना नहीं लेकिन आएंगे ज़रूर कह रहा है पापड़ वापड़ भूंज के रखो मेरे लिए तो जब आते हैं तो हम उनको दिखाएंगे कौन कौन आने वाला है तब तक के लिए बहुत मतलब जल्दी जल्दी काम किया ना कपड़े भी ढेर सारे धोए हैं तो थक गए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो ले आराम कर ले नहीं तो अभी सब आ जाएंगे आ धमकेंगे तो उनके लिए फिर चाय नाश्ता करना पड़ेगा तो अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है वो ज़्यादा दूर नहीं रहते अभी आ जाएंगे ये देखिए मेरे बच्चे आ चुके हैं और क्या क्या लाए हो तुम लोग दिखावा किधर और नज़दीक आओ क्या लाए हो ये बंदूक बहुत बड़ी है कितनी मिली सिवा सरल 50 की हाँ तो ठीक है ये मेरे सरल लेके आए हैं गन और ये चंचल क्या ले अनमोल क्या लाए हो एक बंदूक और ये भोपो लेके आए ओ गजब बजा बजा जोर से बहुत तेज आवाज है और क्या क्या खाया है चाट हाँ तुमने क्या खाया है सरल दोनों ने चाट खाई है सिर्फ और पानी के बतासे और लेके आए हैं जलेबी और देखिए फ्रेंड्स हम क्या लेके आए थे हम अपना ये देखिए मेरी दीदी ने खरीदा था डोलची
जो कि पूजा हम लोग जाते हैं ना शिवरात्रि में मंदिर, तो पन्नी में ले जाते तो ठीक नहीं लगता है, तो ये लेके आई थी दीदी हमारी, डोलची लाई हैं और मैं लाई थी दो, दुकान तो है ही आपको पता ही है, तो सिर्फ दो डिब्बे, मतलब दो डिब्बी लेके आए थे बिंदी के, एक मम्मी के लिए और एक अपने लिए, हमने कहा प्रसाद है तो कुछ ले ही लेते हैं। और इसमें पेठा है, दीदी व्रत में खाएंगी, और ये एक लाए थे छोटी सी, 10 रुपए की है, और एक ये लेके आए थे सब्जी वब्जी रखने के लिए, जैसे कोई चीज़ छाननी होती है ना वैसी चीज़, आलू उबालो तो इसमें डाल दो तो पानी निकल जाता है, ये 20 रुपए की मिली है और ये 10 रुपए की मिली है, और मतलब लमसम लमसम 200 रुपए खर्च हुए मेला में, लेना कुछ नहीं था इसलिए ज़्यादा पैसे भी नहीं ले गए थे, लेकिन कितना भी करो मेला घूमो तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। देखिए क्या लेके आई है, ये भी लेके आई है अपने लिए, और मम्मी से हमारे लाए हैं, चालू हुआ था, हाँ खाया कुछ ना, कहे कहे नहीं खाया, कहा नहीं खाओ, बड़ा बहुत ज्यादा भीड़ रही मगर, हाँ सो फ्रेंड्स मेरे खवर पार्टी वाले सब आ चुके हैं, और ये देखो इतना थक गया है कि लेट गया पहले ही, ये छोटू है ये भी बनाता है ये डांस बहुत अच्छा कर लेता है, और पार्टी वगैरह में करते ही हैं, और प्रोग्राम अपने घर में बच्चे करते ही रहते हैं छोटे मोटे अरे चश्मा कहाँ लगा लो, बूढ़े बूढ़े से हो गए नमस्ते। तो हमारे मामी का चैनल है, व्लॉग बनाती हैं, नए नए वीडियोस लेकर आती हैं, तो आप लोग उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए चलो अब इनके लिए कुछ नाश्ता पानी बनाते हैं। तो ये जा रहे हैं खबर पार्टी को देने के लिए, चलो सो फ्रेंड्स हांजे जो है जा चुके हैं, उसके बाद मैं खाना वाना खा के लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, आप उठी हूँ, और ये देखिए मेरी कोमल लोग फिर से दोबारा से गई थी बाजार, वो मेला, वहाँ से देखिए क्या क्या लेके आई हैं, पता नहीं क्या है, लॉन्ग सा टॉप है, टॉप ही इसको बोल सकते हैं, टॉप ये अपने लिए लेके आई है, और ये दीदी लाई है दो शर्ट, कॉटन का है गर्मियों में पहनने के लिए, अच्छा लग रहा है कलर इसका भी, और एक ये लेके आई है, दीदी हमारी क्या कहते हैं ऐसे ही कपड़े पसंद करती है पहनना, और ये टोपी वाला, ये भी शर्ट है टोपी वाली लगी है सिर्फ इसमें, तो ये शर्ट भी दीदी अपने लिए लेके आई है, और दो लाई है लोवर, तो ये सारे कपड़े बस गर्मियों में पहनने के लिए, नॉर्मल ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सब 200 के अंदर ही अंदर, मतलब एक जो पीस है 200 का ही है, और सब ऐसे ही है गर्मियों में पहनने के लिए, और ये कोमल की पैंट है ये, तो ये गर्मियों में पहनने के लिए ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है और कपड़ा भी अच्छा है, गर्मियों में मतलब जैसे मुलायम सा कपड़ा पहना जाता है वैसा, तो ये सब वैसे ही कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, हो सकता है वैसे मैं बहुत शॉर्ट ही बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज सुबह से ही सब घूमने गए मार्केट, वहाँ बाजार देखा, और फिर मेरे भांजे भी आए थे, मैंने ज़्यादा सूट भी नहीं किया क्योंकि कोई आता है तो मोबाइल में लगे रहो वो भी ठीक नहीं है, तो बाकी ऐसे नाश्ता पानी मैं पूरा सा दिखा नहीं पाई, और वो काफ़ी देर तक ही रुके थे, खा पी के गए हैं, और अभी जो है बस आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और शाम का टाइम हो गया, मेरी चाय बनने का भी टाइम हो गया है, तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, और आपका जो प्यार और अपना स्नेह मिल आप दे रहे हैं वो के लिए आपसे थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ, तो धन्यवाद, बाय बाय।